बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजाल कुंभो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दुआखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर अफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों को खैर अफियत के साथ रखे। दोस्तों की खिदमत में आज मैं जो नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ, ये हर नौजवान की ज़रूरत है। हर मर्द नौजवान, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो, उसकी ज़रूरत बन गया है। क्योंकि हमारी खुराक, जो फास्ट फूड हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी तवानाई ताकत बहाल नहीं होती, अलबत्त ज़ाया ज़रूर जाती है। क्योंकि दूध, घी, गोश्त का इस्तेमाल हम कम करते हैं, गर्म अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर इतनी हीट पैदा हो जाती है कि हम सूरत अंजाल के मरीज़ बन जाते हैं, जिसकी वजह से बेशुमार और बीमारियां जन्म लेती हैं। शादीशुदा हज़रात के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि जिसको सूरत अंजाल का मसला पैदा हो जाता है, वो अपनी शादीशुदा लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार नहीं सकता, और जिसकी वजह से उसके घर में अक्सर नाचाकी शुरू हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सबसे पहले नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त मिल सके। दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ही ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों को गाइड करूं, ऐसे नुस्खा जात पेश करूं जो गारंटी शुदा हो, रिजल्टेबल हो, मोतदिल हो, हर मजाज का बंदा उसको इस्तेमाल कर सके आसानी से, जिसके इस्तेमाल करने से किसी को नुकसान ना हो, अलबत्ता फ़ायदा 100% हो। किसी भाई को, किसी दोस्त से हो, अगर कोई नुस्खा ना बने या बनाने में कोई दिक्कत पेश आ रही हो, तो गलत नुस्खा नहीं बनाना, मुझसे राबता करे, मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट उसको नुस्खा बना के बनाने की तरतीब बताऊंगा। और अगर चाहे तो मैं यहाँ से बनी बनाई भी अपने मतलब से दवाई उसको पार्सल कर दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं जो आपको मजूने मगलस का नुस्खा ऐसा बताने जा रहा हूँ, एक इस नुस्खे से इंशाल्लाह आपका सूरत अंजाल का मसला भी हल हो जाएगा, जरियान का मसला भी हल होगा। सूरत अंजाल के साथ जिसकी स्पर्म कम है, जिसकी मनी पतली है, मनी की हिद्दत कम है, उसका मसला भी इस मजून से हल होगा। असाबी कमज़ोरी का मसला भी इंशाल्लाह उसका मजून से हल होगा। प्यारे दोस्तों, आपने नुस्खा गलत नहीं बनाना। दोबारा मैं इसलिए आपको दोहरा रहा हूं कि आपने अच्छी तरह सुन के इस नुस्खे को बनाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बेहद फ़ायदा होगा। तो अब आते हैं नुस्खे की जानब। तो दोस्तों मजूने अर्ध खुरमा आपने लेना क्या है, गोंद किक्कर 100 ग्राम, अर्ध खुरमा 100 ग्राम, संगाड़ा खुश्क 100 ग्राम, मगज़ बादाम शीरी 100 ग्राम, मगज़ चगलगोज़ा 2 तोले, मगज़ रेठा 1 तोले, तरंजमीन खालस 1 तोले, मगज़ बनोला 2 तोले, लौंग 6 माशे, जावत्री और जायफल 3-3 माशे। इन सब चीज़ों का आपने अच्छी तरह सफ़ूब बना लेना है। सफ़ूब बनाने के बाद इसमें हसबे ज़रूरत शहद डाल के इसकी मजून बना लें, 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको 1000% इसका फ़ायदा हासिल होगा। आखिर पे मैं नुस्खा भी तफसील के साथ लिख दूंगा, अपना नंबर भी लिख दूंगा, अगर किसी को कोई मसला मसाइल पेश आए, बनाने में दिक्कत पेश आए, तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको नुस्खा भी भेज दूंगा, बना के भी भेज दूंगा और वैसे भी बता दूंगा। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।